Match number 18 of IPL 2022, Royal Challengers Bangalore versus Mumbai Indians. Royal Challengers Bangalore confidence से भरा होगा. दो matches last के जीत कर आ रहे भाई. वही Mumbai Indians confidence खोज रहा होगा. किसी तरह confidence मिल जाए, एक match जीत जाए. अभी तक tournament में एक भी match नहीं जीते. तो क्या इस match में उनकी ये खोज खत्म होगी या फिर ये खोज जारी रहेगी? ये पता चलेगा मैच के बाद, पर हर बार की तरह मैच से पहले मैं हूं आपके साथ हेड टू हेड लेकर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11s और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स, क्योंकि ये है MSP वीडियो मैच स्टैट्स प्रीव्यू. तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि MSP में वो सब कुछ होता है जो मैच से पहले आप जानना चाहते हो. तो आप स्टार्ट करें, करते हैं देर किस बात की. शुरुआत करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 से. फाफ डू प्लेसी के साथ ओपनिंग करेंगे अनुज रावत, फॉलोड बाय विराट कोहली. उनके बाद आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, डेविड विली, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप. तो बैंगलोर के बाद अब चलते हैं मुंबई की तरफ और देखते हैं मुंबई इंडियंस का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है. रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग, फॉलोड बाय बेबी एबी यानी कि डेवाल्ड ट्रेविस. फिर आएंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा कमाल की फॉर्म में है, करण पोलार्ड, फैबिन एलन या फिर राइली मेरेडिथ में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइमल मिल्स एंड वसील थम्पी. अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बोथ द टीम्स हैव फेस्ड ईच अदर इन 29 मैचेस सो फार, जहां पर मुंबई इंडियंस जीता है 17 टाइम्स, 12 टाइम्स जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. सिंस 2018 आठ बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, चार बार जीता है मुंबई इंडियंस और चार बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. मैच खेला जाएगा पुणे में एट द MCA स्टेडियम, जहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इन द लास्ट 5 IPL मैचेस है 175. यहां पर टोटल 41 मैचेस खेले गए. चेजिंग टीम जीती है 21 टाइम्स और हारी है 20 टाइम्स. लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स दैट दीस फॉलोइंग प्लेयर्स वुड अचीव इन दिस मैच. विराट कोहली नीड्स 1-4 टू कंप्लीट 554 इन द IPL. रोहित शर्मा नीड्स 5-4 टू कंप्लीट 554 इन द IPL. सूर्य कुमार यादव इज जस्ट वन मैच अवे फ्रॉम अपीयरिंग इन 200 T20 मैचेस. T20 क्रिकेट में 300 फोर्स कंप्लीट करने के लिए ईशान किशन को चाहिए सिर्फ 5 फोर्स. T20 क्रिकेट में 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए रोहित शर्मा को चाहिए सिर्फ 51 रन्स. दिनेश कार्तिक इज टू बिग हिट्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग 200 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट. T20 क्रिकेट में 150 सिक्सेस कंप्लीट करने के लिए सूर्य कुमार यादव को चाहिए सिर्फ 2 सिक्सेस. T20 क्रिकेट में 11,500 रन्स कंप्लीट करने के लिए करण पोलार्ड को चाहिए सिर्फ 26 रन्स. इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लेयर्स बैटल. विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह. विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की 84 डिलीवरीज को फेस किया 126 रन्स के और चार बार जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिया है विराट कोहली का. करण पोलार्ड वर्सेस हर्षल पटेल. करण पोलार्ड ने हर्षल पटेल की 24 डिलीवरीज को फेस किया 27 रन्स के और दो बार हर्षल पटेल ने उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया. ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस जसप्रीत बुमराह. ग्लेन मैक्सवेल ने जसप्रीत बुमराह की 37 डिलीवरीज को फेस किया 44 रन्स के और पांच बार जसप्रीत बुमराह ने उनका विकेट लिया. ईशान किशन वर्सेस मोहम्मद सिराज. ईशान किशन ने मोहम्मद सिराज की 16 डिलीवरीज को फेस किया 29 रन्स के और एक बार मोहम्मद सिराज ने उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया. रोहित शर्मा वर्सेस हर्षल पटेल. रोहित शर्मा ने हर्षल पटेल की 22 डिलीवरीज को फेस किया 27 रन्स के और दो बार हर्षल पटेल ने उन्हें पेविलियन भेजा. तो हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल. तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है इस मैच में, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So it's time for me to take a leave. Hope you guys like this video. Agar ye video pasand aayi to please don't forget to like, share and comment aur channel ko subscribe karna, Telegram channel visit karna. Ye to aap sab kuch kar chuke honge. Kar diya? Haan, chalo, very good. Main chalta hu, milunga aapse agli video mein. Till then, take care. Have a nice day.